अहमद खान एंड ही इज अ रैपर और ये जो है मार्शल आर्ट प्लेयर भी हैं और मार्शल आर्ट कोच भी रह चुके हैं। अभी शो से पहले मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया मुझे और मैंने काफी इंटरेस्टिंग जो इनकी स्टोरी है, इनका जो जर्नी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये आपसे बात करेंगे अभी कुछ ही मिनटों में। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दूंगी इनका जो स्टेज नेम है वो खलीफा है। तो सबसे पहले नवाब, आपका बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूं मैं अपने शो में जिसका नाम है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। थैंक यू फॉर मैनिंग। इससे पहले कि मैं अपना शो स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि मेरे लिसनर्स के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही एक रैप हो जाए। कश्मीरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिप हॉप से रिबना हिप हॉप क्या गो मगर इमन छह खबर यम समझा मैं शुर मगर चुस्त गुर एम रे सुन ब्रो चुस्लमा ब्रो को पका पत खुंद बुचा इम रेस लगा कुछ क्या मैंने मैंने छे फरक बेवा इम से रिशूंगा बब रैप लिखा यल रैप करा चढ़ टैप पे चुम कुत्या रैपर रैप करा मैंने टायर कसा इम लेक चिकड़ा ब्रो कहा चिपका तस्ट करा इम वह तो पानस रैपर बना मुझ बिन ऐसी कैज लेक चिकड़ा इस इतन शुरन टास दो। क्या बात है, देखो इन्होंने बहुत ही छोटे अल्फाजों में इन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि नवाब मेरे साथ स्टूडियो में है और ये जो है बडिंग रैपर है और मार्शल आर्ट कोच भी है, तो इनसे बात करेंगे। नवाब मुझे अपने बारे में सबसे पहले ये बताएं, आप कहां से हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सो आई एम फ्रॉम कुंगमडारा, जो कुंगमडारा पटन तहसील में आता है। तो कुंगमडारा एक छोटी सी विलेज से आया हूं। पहले जो रैपिंग का शौक नहीं था मुझे, तो पता ही नहीं था रैपिंग क्या होता है। फिर अमीबा बंटाई का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और अभी भी हूँ, तो उसको उनको सुनते सुनते मैं भी रैप सीख गया, तो लिखना स्टार्ट किया। देन आई स्टार्ट द जर्नी। अपने गांव के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके का गांव है आपका जहां से आप जिस एरिया में आप रहते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा गाँव है, मतलब क्या कहें, मतलब जो लोग हैं वहां पे अच्छे केयरिंग लोग हैं, मतलब मैंने नहीं देखा दूसरा गाँव मतलब कम्पीट करे मेरे गाँव से। बहुत अलाम विलेज, वेरी नाइस। एटलीस्ट आपकी ये जो जर्नी है रैपिंग की, अगर मैं रैपिंग की बात करूं तो ये जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? सो जैसे रिसेंटली मैंने बोला तो पता नहीं था रैपिंग क्या होता है, लेकिन सुनता था मैं बचपन से बहुमिया को, उनको सुनते सुनते मैं मतलब सोता था जागता था। देन आई स्टार्ट टू लिसन टू एमीवे बंटाई को जब सुना तो लगा कि कुछ रैप है, रैपिंग कुछ है, तो स्टार्ट किया मैंने भी लिखना। पहले कुछ लिखना नहीं आता था, देन आई स्टार्टेड टू राइट। तो जब लिखा पहला सॉन्ग लिखा तो मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग बनाया मैंने, देन आई स्टार्टेड नेक्स्ट सॉन्ग। फिर दिमाग में आया कि अब रिकॉर्ड कर लूं, रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब पे डाला। देन जब कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे आए तो मैं इंस्पायर हो गया आगे जाने के लिए, तो आगे जाके मतलब लोगों से मिला, लोगों से इंस्पायरेशन मिली, तो अभी आपके सामने खड़ा। बिल्कुल सही बात है, आपने कुछ अचीव किया लाइफ में तभी आप हमारे स्टूडियो में यहाँ पर हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अपने लिसनर्स को मैं ये बता दूं कि बातें जो है नवाब से होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ट्रैक प्ले करूंगा, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप सुनते रहे अहमद खान। और नवाब भाई एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। मेरे लिसनर्स जो है, जिन लोगों को नहीं पता था कि आप यहाँ पर स्टूडियो में आए हैं, लेकिन अब वो जानते हैं कि हमारे साथ एक रैपर बैठे हैं। स्टार्ट फिर से एक रैपर से, यानी कि एक रैप से हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी रैप जो आप यहाँ पर हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। हाँ, वो बेवफा रैप लिखा था मैंने ब्रेकअप के लिए। ओके, सो तू निकली आखिर बेवफा हो जा दफा, मैं खफा खफा रहता हूँ, गम जो तूने दिए वो सहते रहता हूँ, बात करूं मैं बात तेरी बस आती है, याद तेरी बस आती है, मुझे बड़ा सताती है, तड़पाती है, रुलाती है कभी कभी, तेरे बारे हर दिन सोचा लेकिन रुका मैं, अभी तेरा साथ नहीं, तेरी याद नहीं, बातों में कोई बात नहीं, तेरी यादों पे मेरी लात सही, तड़पेगी तू भी कभी कहीं, मेरे साथ में मेरे यार है, जीने के सिर्फ दिन चार है, बाकी सारे बेकार है, तो मेरे यार है। वाह, नाइस, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा था। नवाब मुझे एक बात बताएं, लाइफ में जब रैपिंग के बारे में, मतलब हर किसी के ऐसा होता है ना, मुझे बड़ा होकर ये करना है, मुझे ये करना है, आपको ऐसा कब लगा कि यार मुझे जो है आगे इन फ्यूचर में मुझे रैप करना है, तो मुझे रैपर बनना है? सो मैं बैठा था घर पे, ऐसे ही पेन और कॉपी मतलब सडनली हाथ में लिया, आई थिंक दैट वॉज माई फॉर्चून, तो हाथ में लिया, लिखने बैठा, जब देखा कि हाँ भाई लिख सकता हूँ, देन आई स्टार्टेड टू डूइंग रैप, तो लगा कि रैप भी कर सकता हूँ, फिर स्टार्ट किया। अब मतलब पहले तो पैशन था, अब प्रोफेशन बनाना है, ऐसी मतलब इसी फील्ड में जाना है, अब दिमाग में ठान लिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह पहले आपका पैशन था लेकिन अब आप इसको प्रोफेशन बनाएंगे, और बहुत ही अच्छी सोच है, जब ऐसे पॉजिटिविटी लेकर आप चलेंगे आगे तो इंशाल्लाह आप लाइफ में जो है बहुत कुछ अचीव करेंगे, और इंशाल्लाह सक्सेस तो फिर आपके पीछे पीछे भागेगी जब आप उसको खुद को उस लाइक
बना दोगे। हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, मतलब आप रैपिंग में आए हैं तो आपकी कौन इंस्पिरेशन है? और रिसेंटली आई सेड एमी वे बंडा इज माई इंस्पिरेशन, की वो मतलब वर्सटैलिटी है उनके रैप्स में, मतलब कुछ भी कर देते हैं, मतलब ही इज डूइंग अ डिफरेंट शिट, मतलब उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ, मतलब रैप करना, वो अलग अलग तरीके के रैप करना, उन्हीं से इंस्पायर हुआ कि आगे कैसे बढ़े, तो ही इज माई इंस्पायरेशन। तो अपने इसका फिर से मचाएंगे जो है वही, दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही फिर भी तुझे हटा रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को घर पे मना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तो लंदन में रहती है, अभी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। वाह नाइस, बहुत ही अच्छा है, सीरियसली मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और खासकर जब रैपर यहाँ पर सामने बैठा हो रहा है तो एकदम वो ना यो करने का बड़ा मन करता है, क्योंकि यार क्योंकि कहीं ना कहीं रैपर ना उसके बगैर फीके हैं कि यार उनके आपके जो आपके स्टाइल्स होते हैं मतलब बड़े जबरदस्त होते हैं, तभी जो आपकी रैपिंग की जो आवाज है जो सुर है वो तभी निकलते हैं, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और मेरे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं उनको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। और अपने लिसनर्स को मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में नवाब अहमद खान बैठे हैं, जो कि मार्शल आर्ट प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं, और साथ ही साथ वो रैपिंग भी करते हैं, और रैपर रैपिंग को अपना प्रोफेशन बनाने वाले हैं। तो इनसे बातें जारी रहेंगी, आप भी सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 शो चल रहा है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। फिलहाल के लिए तो प्ले कर रहा हूँ, ट्राई नहीं किया, बट रैपिंग जो है रैपिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे स्टूडियो में। इनका स्टेज नेम जो है वो खलीफा है, और सोशल मीडिया पर अगर आप इनको सर्च करते हैं तो जनाब आपको वहां पे खलीफा नवाब सर्च करना है, और ये आपको हर जगह पर वहां पर मिल जाएंगे, तो आप इनको जरूर सर्च करें, वहां पे फॉलो करें जनाब, इनके रैप्स जो है उनको भी सुने, और साथ ही साथ इनको फीडबैक भी देते रहें, सो दैट ये और इम्प्रूव कर सकें खुद को, कहां पर इनको इम्प्रूवमेंट लानी है वो जरूर कमेंट्स करके इनको जरूर बताएं। फिलहाल नवाब मेरे सामने यहाँ पर स्टूडियो में है, तो नवाब मुझे एक गाना सुनाओ यार। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिसनर्स के लिए एक गाना हो जाए, तो सॉन्ग लिखा था पूछ मत। ओके क्या है हला पूछ मत, कैसे मैं जी रहा हूँ पूछ मत, क्या है ख्वाब पूछ मत, अकड़ ले सवाब, चढ़ दी जवानी मेरी सुनो तो कहानी मेरी, अगली पुरानी मेरे सपने सुहाने, मुझे लगे बज गाने ऐसे लगे डूब जाने, जैसे आंधी लहर हो बरसा के हर मेरे दिमाग में आए, मैं पी लूं जहर लेकिन दिल ने बोला बेटा थोड़ा सा ठहर, जस्ट चिल कर किल कर अपनी इन फीलिंग्स को थोड़ा सा बेटे, तुम अपने पे ध्यान दो, तुम भी इंसान हो, तेरे पास दो हाथ दो पांव दो कान एक जुबान है, जी ले तुशान से खुद को तू जान ले, खुद से अनजान है क्या, हटेली चौक पे फटेली पेंट, तेरा भाई बहुत ही इनोसेंट। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, मतलब रैप तो आप करते ही हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार जब आप रैप करते हैं ना सीरियसली तब काफी ज्यादा मजा आता होगा, और जब आप स्टेज पे होते होंगे तो माशाल्लाह सीरियसली मतलब आई कैन इमेजिन कि यार काफी ज्यादा मजा तो आता ही होगा वहां पर। फिलहाल नवाब आपको एक बात और पूछना चाहूंगा, यहाँ पर मेरे लिसनर्स के दिमाग में भी मैं भी यही माइंड में चल रहा हूँ कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अगर हम रैपिंग की बात करें तो कश्मीर में आप रैप को किस तरीके से देखते हो, क्या लगता है कि क्या कोई फ्यूचर है रैपिंग का यहाँ पे कश्मीर में? अगर रैपिंग की बात करें वो भी कश्मीर की बात, यहाँ पे रैपर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे रैपर्स हैं जो मतलब एक बात तो है हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मतलब हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करके हम सॉन्ग बनाते हैं या कुछ और कुछ करते हैं, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता किसी भी चीज में, चाहे रैपिंग हो सिंगिंग हो डांस हो किसी भी चीज में, तो रैपिंग बहुत अच्छे, मतलब मुझे नहीं लगता कहीं और कश्मीर से बाहर निकल के आप वैसे रैपर्स देखोगे जहाँ पे जैसे कश्मीर में, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट सीन चल रहा है कश्मीर में रैपिंग। बिल्कुल नवाब का कहना, अगर हम पेरेंट्स की बात करें या आपके फ्रेंड्स की बात करें तो क्या लगता है, क्या आपको पेरेंट्स अपने जो है वो सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए कि आप रैपिंग करो, या आपके फ्रेंड्स? हाँ हाँ, फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं, और फैमिली, अगर फैमिली की बात करें तो मैक्सिमम लोगों की फैमिली इस चीज में सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते कोई बोलता है पागल है वो समथिंग एल्स, एंड आई डोंट केयर मतलब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जब सॉन्ग मतलब बनाया था तो पहले अबू को सुनाया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है बेटा, अच्छा जा रहा है तू, ऐसे ही करते स्टार्ट, तो फिर फ्रेंड्स को सुनाया, फ्रेंड्स लोग ने भी अच्छा मतलब रेस्पॉन्स दिया, फिर लगा कि नहीं यार आगे जा सकता हूँ। एंड मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी चीज में, चाहे रैपिंग हो कोई भी पैशन है आपका प्रोफेशन है, मतलब जिस चीज को भी आप चाहते हो, तो लोगों का काम ये बोलना, वो बोलेंगे गलत क्योंकि वो नहीं चाहते आप उनसे आगे निकलें, आप ये दिमाग में नहीं रखें कि मतलब वो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, नो डोंट थिंक अबाउट दैट एंड डोंट थिंक अबाउट दम, यू हैव टू मूव ऑन। एग्जैक्टली,
वैसे कहते हैं ना, यूं तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहेंगे, लेकिन आपको अपना जो फोकस है, फोकस डिविएट नहीं करना, बल्कि आपको अपनी राह, मंजिल की तरफ आपको चलते रहना है। और आप एक मिसाल है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि आप, आपने ये भी कहा कि आपकी फैमिली जो है, फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो इससे ज्यादा आपके लिए मुझे लगता है और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है कि आपके पेरेंट्स भी जो है आपको रैपिंग में यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर पेरेंट्स कम्युनिटी को एक और मैसेज भी साथ ही साथ देना चाहूंगा कि यार, अगर आपके लोग, आपके जो बच्चे हैं उनमें अगर टैलेंट है, टैलेंट तो उनका जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने में कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स का ही रोल रहता है। और पेरेंट्स को जो है सामने आना चाहिए और अपने बच्चों को जो है उनकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर उनको ले जाना चाहिए। फिलहाल शो चलता रहेगा, हम सुनते हैं एक और ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो। खलीफा नवाब मौजूद है, जिनका पूरा नाम जो है नवाब अहमद खान है, एंड ही इज अ रैपर और मार्शल आर्ट प्लेयर भी है। यार मार्शल आर्ट, खैर जब मार्शल आर्ट सुनते हो ना आप, तो आपको बड़ा ना वो ट्रेंडी फील करता है कि यार, अरे यार मार्शल आर्ट बंदा आ गया है यहाँ पे स्टूडियो में, तो आज पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, फिलहाल हम रैप वैप सुनेंगे, बाहर जाके इनकी प्रैक्टिस भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथ नवाब है। नवाब, एक और सवाल मेरी तरफ से यह है कि रैप आप करते हैं, लेकिन रैपिंग के जो फील्ड है रैपिंग का, इसमें अगर हार्डशिप्स की बात की जाए तो कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है एक बंदे को? बहुत ज्यादा। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हार्डशिप। मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ नहीं है, यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप करते रहो, हसल करते रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हार्डशिप भाई, किसी ने कहा है, नो पेन नो गेन, पेन तो मिलेगा ही। एग्जैक्टली वैसे ये पेन और गेन वाला सिस्टम उन लोगों को ज्यादा समझ आएगा जो लोग जिम करते हैं। तो वैसे एक बात ये है कि हार्डशिप्स की, जैसे मैंने बात की कि आपने जब स्टार्ट किया था तब आपका क्या लेवल था, आज आपका क्या लेवल है, इन बिटवीन यहाँ पर कौन कौन सी हार्डशिप्स आपने फेस किए जो हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? तो स्टार्टिंग में मतलब सबको नहीं आता, मतलब वो मतलब लिखना भी नहीं आता था। जब लिखता था तो फिर वो सॉन्ग रख देता था, नहीं गलत हुआ, वो हुआ, मतलब कुछ पता नहीं था, इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब आती है। लेकिन मैंने वो ये नहीं सोचा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। जब भी कुछ करना चाहा तो मैं ये बोलता रहा कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। बहुत ज्यादा मुश्किलें देखी है अभी भी देखनी पड़ती है, लेकिन आई स्टिल मूव ऑन। नवाब, एक और सवाल है, मुझे लगता है मेरे लिसनर्स के माइंड में भी यही सवाल चल रहा होगा कि आपका जो स्टेज नेम है खलीफा नवाब, तो नवाब के आगे नवाब खान भी हो सकता था, लेकिन नवाब के आपने पीछे ये जो खलीफा लगा दिया है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये किस तरीके से आया, इसका क्या रोल है? आप जैसे आपको पता ही होगा, खलीफा मीन्स लीडर और नवाब मीन्स बादशाह, तो नाम में ही दम होना चाहिए, तभी तो बंदे में भी होगा। जैसा मतलब अगर एक्चुअली देखा जाए तो फैमिली नेम्स मैंने लिया है, एक एक अल्फाबेट लिया है फैमिली नेम से, तो खलीफा बन गया और नवाब तो अपना ही था। वेरी नाइस। अगर आप रैप नहीं तो एक गाना सुना सकते हैं हमारे लिसनर्स को? हाँ, गाना सुनाते हैं जी, सुनाए। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। वेरी नाइस सर। गाने गाने में दम ही है, कि जैसे आपने गाकर सुनाया, मुझे पता है जब भी मेरे स्टूडियो में कोई भी गेस्ट आता है ना, खासकर रैपिंग या सिंगर, तो मेरे अंदर का जो सिंगर है वो जाग उठता है कभी कभी। और जब आपने ये गाना गाया, अब सीरियसली मतलब ये गाना जो है दिल को छू जाने वाला गाना है। अकेले है चले आओ जहाँ हो, सीरियसली यार आपके साथ बहुत जमेगी और मजा भी आ रहा है आपके साथ, क्योंकि यार एक सिंगर एक रैपर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और आप सुन रहे हैं रेडियो चुना 90.4 हर दिल की धड़कन शो में, बातें जारी रहेंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपको कहीं जाना नहीं, आपको सुनते रहना है। मैं चाहूंगा कि ये एक रैपर है और बहुत ही धमाकेदार रैपर है यार, बहुत ही अच्छे अच्छे रैप इन्होंने मुझे सुनाया है, तो मैं अपने शो में इनका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। और अपने लिसनर्स को बता दूं कि यार मैं अपना ये जो शो है, कोई एक डेढ़ घंटे से हमारा जो शो है ये जारी है, और शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद, और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो नवाब भाई, एक और सवाल मेरा ये है आपका कि आपसे कि फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और आप फ्यूचर में खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो? मतलब ड्रीम है कि मुंबई में
मतलब रैपिंग करूं। जो ऑडिशंस यहाँ पे होने चाहिए वो नहीं हो रहे, लेकिन मुंबई में होते मतलब इंशाल्लाह जाएंगे वहां पे परफॉर्म करेंगे। मतलब फ्यूचर में प्लान है कि मुंबई में जाऊं। वेरी नाइस, मुंबई तो आपको जाना है, लेकिन किस तरीके से उस चीज के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, क्या कोई कुछ सोचा है कि किस तरीके से वहां पर जाना है, रास्ता क्या है? हाँ, अगर बात करें रास्तों की तो पहले जब बंदा निकलता है उसको पता नहीं जाना कहाँ होता है, फिर जब पता होता है जाना कहाँ होता है ये नहीं पता रास्ता कहाँ से है, तो रास्ता ढूंढ लेंगे बीच में। शॉर्टकट्स तो पता ही होते हैं, लेकिन मेहनत करनी जरूरी है। मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह हासिल करते रहेंगे और कामयाबी खुद ब खुद आएंगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो आपने सही बात की है कि मेहनत जरूरी है। मेहनत किसी भी काम में जो है रंग लाती है, और जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका फल जो है वो जरूर मिलेगा। फिलहाल जो रैपर्स हैं, जो बडिंग टैलेंट है आपकी तरह, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब उनको मैसेज देना चाहता हूँ, भाई हासिल करते रहो, मचाते रहो, जो भी दिमाग में आ रहा है करते रहो। यह नहीं कहो कि हमें कुछ नहीं हो रहा, इंशाल्लाह मतलब एक दो महीने के बाद मैं भी एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने जा रहा हूँ और इवेंट्स मैं ऑर्गेनाइज करूंगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए वेट करो तो हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे, इवेंट्स भी हो जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम खोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बडिंग आर्टिस्ट है मतलब मेरी तरह उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा। नवाब, जो लिसनर मेरे आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको किस तरीके से आपको अप्रोच करें, आप तक कैसे पहुंचे, ये भी तो बताना है ना कि आप तक पहुंचेंगे कैसे, क्या सोशल मीडिया थ्रू पहुंचेंगे? अगर सोशल मीडिया थ्रू वो पहुंचते हैं तो अपना इंस्टाग्राम फेसबुक भी हमारे लिसनर्स को बताया। सोशल मीडिया पे आप खलीफा नवाब सर्च कर लेंगे तो बंदा मिल जाएगा वहां। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ट्रम्बलर, यूट्यूब, सब पे खलीफा नवाब सर्च कीजिए, ऊपर मैं आऊंगा, और जल्दी कीजिए अभी के अभी। तो अपने लिसनर्स को मैं एक बार बता दूं कि अभी नवाब ने आपको बताया कि किस तरीके से इनको अप्रोच करना है, क्योंकि ये अपनी एक कोई अभी जो है एकेडमी, इन्होंने कहा कि इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करने वाले हैं स्टार्ट। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं रैपिंग में, सिंगिंग वगैरह में, तो वो इनसे कॉन्टेक्ट कर लें, एटलीस्ट यार आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है थ्रू नवाब। तो मैं चाहता हूं कि जरूर यहां पर जाएं, और नवाब यहां पर एक और ट्रैक में प्ले करूंगा, लेकिन ट्रैक के बाद जो है आपसे मैं एक क्लोजिंग मैसेज भी लूंगा, क्योंकि हमारा जो शो का टाइम है वो भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारे जो लिस्टनर है उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी एक ट्रैक प्ले होगा, और ट्रैक के बाद मैं वापस आऊंगा, और उसके बाद नवाब से जो है स्टेज नेम तो इनका खलीफा नवाब है, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं, और इनका नाम है नवाब अहमद खान। रैपर है, पैशनेट रैपर है, और इस पैशन को ये अपना जो है प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। इनसे ढेर सारी बातें हमने की और बातें जारी भी हैं, लेकिन सबसे पहले अभी तो फिलहाल के लिए तो मैं नवाब से एक प्यारा सा गाना गवाने वाला हूं उनको, और नवाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक गाना हमारे लिसनर्स के लिए हो जाए। सबसे पहले कोई भी एक गाना जो आप गाना चाहेंगे, कोई भी, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी एक ट्रैक जो हमारे लिसनर्स के लिए आप गाना चाहेंगे। दिलबरो में दिल कास गांगले बाबले चाने दीदार से, दिलबरो में दिल कास गांगले बाबले चाने दीदार से, आताब रोयो शीन जंगले आफताब रोयो शीन जंगले यगले जाने गर्मी से, आमे लिया बस क्या मुजादले बबले चाने दीदार से। वाह यार, सीरियसली मतलब मजा आ गया यार आपको सुन के, और सीरियसली जब गाना भी दिलबर आपने चूज किया तो बहुत ही अच्छा ट्रैक है, हमारे लिस्टनर्स जो है बहुत खुश होंगे इस वक्त, और आपको जरूर फॉलो करेंगे वहां पर, आपको आज के शो के हवाले से जो आपको कमेंट भी करेंगे, फीडबैक भी करेंगे, और बोलेंगे भी यार आप आज का शो आज जो है वो कैसा लगा। मैं भी अपने सोशल मीडिया पर आपके साथ एक फोटो जो है क्लिक करके डालूंगा, और वहां पर भी कमेंट्स आएंगे, तो यू कैन सी ओवर देयर ऑल्सो। तो फिलहाल शो में आपसे बात चल रही है, और मैं फिलहाल नवाब से एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जो भी हमारे लिसनर है जो आपको सुन रहे हैं, या जो भी लोग हैं जो आपको सुनेंगे,
या हमारे लिसनर्स उनको आगे बताएंगे, तो इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि एक रैपर की लाइफ कश्मीर में किस तरीके से है, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं आप, और एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है? और आपका फ्यूचर प्लान तो आपने बता दिया कि मुंबई जाने वाले हैं आप, लेकिन फिलहाल इन सब सबको मर्ज करके आप किस तरीके से बोलेंगे, एक सोशल मैसेज क्या आप छोड़कर जाने वाले हमारे लिसनर्स के लिए? तो रैपर्स की बात करें, रैपर्स की लाइफ कश्मीर में अगर बात करें बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं बंदे लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, जो भी मतलब उनके लिए एक एक मैसेज है भाई, जो भी मतलब पब्लिक को चाहिए, पब्लिक को जो भी डिमांड करती है वो अलग गाना उनको दो, वो चीजें उनको दो, तो पब्लिक आपको प्यार देगी।